भी छात्रों, व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 11वीं के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे व्यावसायिक सेवाएं बैंकिंग। पूर्व में हमने जाना था कि बैंकिंग क्या कहलाती, बैंकिंग सेवाएं क्या कहलाती हैं, बैंक की परिभाषा क्या है, बैंक के कार्य कौन कौन से हैं, साथ ही इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। वर्तमान समय जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आधुनिक समय में बैंक का जो स्वरूप है वो टोटली परिवर्तित हो गया, मैनुअल से परिवर्तित होकर कंप्लीटली रूप से जो है टेक्निकली रूप से मैं परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर आज में हम देखते हैं कि बैंकों की जो है आधुनिक तकनीकें हैं, बैंकों में वर्तमान में जिस प्रकार से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है उनके बारे में आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो आधुनिक समय में बैंकिंग का जो स्वरूप है पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है, उन्नत तकनीकी और संचार प्रणाली की क्रांति से बैंकिंग में जो है नई प्रणालियों को शामिल किया गया है। आज जो है कंप्यूटर, इंटरनेट और स्वचालित टेलर मशीन और टेलीफोन, मोबाइल जैसी आधुनिक मशीनों का जो है बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो आज हम देखते हैं कि बैंकिंग जो सेवाएं हैं वे पूर्ण रूप से कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से जो है हम अपनी जो भी बैंकिंग से जुड़ी हुई सेवाएं हैं उनका उपयोग हम इस तरह से बहुत तेजी से यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आधुनिक मशीनों का जो है बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग में जो है त्वरित गति, पारदर्शिता और जोखिम की कम संभावना, साथ ही ग्राहक संतुष्टि आदि का लाभ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इन साधनों के माध्यम से जो है बैंकिंग गतिविधियाँ जो है बहुत तेजी से हो जाती हैं। यदि हमें पैसा किसी को ट्रांसफ़र करना है, किसी को भेजना है, तो बहुत तेज़ी से जो है पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। पर वहीं बात करते हैं पारदर्शिता की, तो पारदर्शिता के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी लेन देन होता है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है, उसमें जोखिम जो है बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। साथ ही ग्राहक संतुष्टि होती है, बहुत समय हमारा बचता है, आने जाने में समय बचता है, पैसा भी अतिरिक्त जो हमारा एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको वो खर्च होने से बचता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें बहुत कुछ लाभ से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ हम ATM, टेली बैंकिंग, ई बैंकिंग, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, जो कि बैंकिंग की वर्तमान की आधुनिक तकनीकें कहलाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ATM मशीन क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको हम बोलते हैं ATM। ATM का प्रयोग जो है जनरली हम सब आप रूटीन में करते ही हैं, जिसको बोलते हैं हम स्वचालित टेलर मशीन। ATM जो है बैंकिंग का क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है। सर्वप्रथम 1960 में इसे बैंकिंग में प्रयुक्त किया गया था। ATM के प्रयोग होते हुए के लिए हमें बैंक से क्या मिलता है, एक प्लास्टिक का कार्ड मिलता है, जिसे हम अपने खाते में जमा राशि को निकालने हेतु ये कार्ड जो है हम मशीन में डालते हैं, और अपनी व्यक्तिगत पहचान पिन नंबर को अंकित करना होता है। ये क्या होता है, गोपनीय होता है। इसके बाद हम आवश्यक राशि जो है उसमें अंकित करते हैं और जो राशि है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये जनरली ATM का जो प्रयोग है आजकल आप सब करते हैं। इसकी प्रोसेस जो है, इसमें एक हमें बैंक से प्लास्टिक का कार्ड मिलता है जिसमें एक पिन नंबर होता है, वो पिन नंबर हमारा गोपनीय होता है। जब हम कार्ड को मशीन में डालते हैं तो फिर उसके पश्चात जो है हम पिन नंबर उसमें डालते हैं, जो भी राशि हमें निकालना है वो राशि हम निकालते हैं, और इस तरह से जो है हम बगैर बैंक में गए हुए या शाखा में गए हुए जो है आवश्यक रुपया को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसके जो लाभ हैं वो हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि ई बैंक के द्वारा जो है प्रमुख सुविधाएँ किस किस प्रकार की प्राप्त होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि ई बैंकिंग की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तो अब ग्राहक को बैंक तक आ जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से जो है बैंक ग्राहक के पास तक पहुंच गया है। ग्राहक जो है अपने घर बैठे हुए बैंकिंग सुविधाओं का लाभ जो है घर बैठे
ई बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इसमें जो विभिन्न सुविधाएं हैं, इसमें सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भी अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से जो है एक खाते में दूसरे खाते में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आमतौर पर हम देखते हैं कि आज के समय में जो है कंपनियां जो है कर्मचारियों का वेतन कंपनी खाते से सीधे उनके खाते में हस्तांतरित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया आज भी जो है शुरू हो चुकी है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट संस्थाएं हो, कंपनियां हो, अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, सीधे उनके खाते में जो है पैसा व्यक्तिगत रूप से हर एक के खाते में अलग अलग ट्रांसफर कर देते हैं। इस व्यवस्था से जो है कंपनी के मालिक एवं कर्मचारी दोनों बड़ी मात्रा में नकद संभालने की असुविधा से बच जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम जो है, इसके माध्यम से जो है कंपनी या संस्था अपने कर्मचारियों का वेतन जो है या जो भी अमाउंट उसको संबंधित पक्ष को देना होता है उसके खाते में सीधा ट्रांसफर कर देती है, वो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से। दूसरा, तत्काल सकल निपटान प्रणाली, जिसको हम RTGS के नाम से जानते हैं, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तत्काल सकल निपटान प्रणाली। ये प्रणाली जो है एक बैंक से दूसरे बैंक तथा ग्राहक आधारित लेन देनों को इलेक्ट्रॉनिक आधारित निपटान प्रणाली पेमेंट की व्यवस्था होती है। इसके माध्यम से जो है एक बैंक से हम दूसरे बैंक में पैसों को जो है रकम को जो है तत्काल हम ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें जो है सहभागियों को रिजर्व बैंक से तुरंत परस्पर भुगतान की व्यवस्था होती है। इसमें ग्राहकों का लेन देन जो है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे भुगतान हो जाता है। तो RTGS जो प्रणाली है, इसके माध्यम से जो है जब हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर करना होता है तो हम यहाँ पर RTGS के माध्यम से भुगतान जो है एक खाते से दूसरे खाते में पहुँचाते हैं। इसके लिए हम बैंक में पहुँच के हमें RTGS की प्रक्रिया को अपनाना होता है, और ये प्रक्रिया जो होती है ये 2 लाख से ऊपर के भुगतान के लिए होती है। यदि 2 लाख से ऊपर का हमें भुगतान करना है तो हम RTGS के माध्यम से जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर देते, तो ये कहलाती है RTGS। तीसरा जो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको हम कहते हैं NEFT। NEFT राष्ट्रीय नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इस प्रकार से RTGS में हम पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करते हैं, उसी प्रकार से NEFT के माध्यम से भी जो है हम एक बैंक से दूसरे बैंक में या शाखा को मुद्रा हस्तांतरण की भारतीय क्या है ये व्यवस्था है। इसके लिए बैंकों को NEFT के नेटवर्क से जुड़ना आवश्यक है। इस प्रणाली के अंतर्गत एक व्यक्ति, फर्म या निगम अपने बैंक से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा दूसरे व्यक्ति, फर्म या निगम को देश में स्थित उसके किसी भी बैंक में राशि हस्तांतरित कर सकता है, तो ये कहलाता है NEFT। NEFT में जो पैसे का ट्रांसफर है, हम एक पैसे भी हमें रकम ट्रांसफर करना है वो हम कर सकते हैं। ये है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम NEFT। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। यदि हमें विभिन्न कंपनियों के या विभिन्न संस्थाओं के किसी प्रकार के आंकड़ों को या सूचनाओं की जानकारी चाहिए या किसी प्रकार के आंकड़ों या सूचनाओं को हमें भेजना है तो इसके माध्यम से जो है हम डाटा इंटरचेंज के माध्यम से जो है विभिन्न वर्गों के मध्य सूचना या आंकड़ों के अंतरण को सरल बनाता है। ये उत्पादक कंपनियों द्वारा जो है जस्ट इन टाइम प्रोसेसिंग जैसे कार्य का आधार होता है। जिस समय हमें काम करना है हम उसी समय तत्काल सूचनाओं या आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के माध्यम से जो है आंकड़ों को दूसरी जगह भेज देते हैं या दूसरी जगह से आंकड़े हम शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसके बाद बहुत ही आम शब्द जिनको हम अभी यूज करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड।
सबसे पहले हम देखते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो है, दुकान पर हम अपना जब भी डेबिट कार्ड प्रस्तुत करते हैं तो एक POS मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। ये कार्ड जो है हम उसकी उस मशीन में लगाते हैं, उसके बाद दुकानदार जो है उसमें अमाउंट और अपना खाता में दर्ज करता है, उसके बाद मशीन को आपकी तरफ बढ़ाता है और आप उसमें जो है अपना पिन नंबर डालते हैं और ओके करने के बाद जो राशि है वो आपके खाते से उठकर दुकानदार के खाते में या जहां से आप सामग्री खरीद रहे हैं उसके खाते में पहुंच जाती है। तो मशीन के द्वारा जो है क्रय किए गए माल का भुगतान जो है राशि ग्राहक के बैंक खाते से दुकान के खाते में राशि हस्तांतरित हो जाती है। तो डेबिट कार्ड का उपयोग जो है हम यहाँ पॉइंट ऑफ सेल मशीन में भी करते हैं, जिसके माध्यम से हम भुगतान करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो होता है, यदि हमारा बैंक में खाता नहीं है लेकिन हमारी साख के आधार पर बैंक जो है हमें क्रेडिट कार्ड एक लिमिट निर्धारित राशि तक को यूज करने के लिए वो हमें अधिकृत करता है। तो ये कार्ड जो है बिना बैंक में खाता खोलने के समान है, हमारा खाता बैंक में नहीं होता है और बैंक हमें क्रेडिट कार्ड हमारी साख के आधार पर हमें प्रदान करता है। वास्तव में ये कार्ड जो है धारक को अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, ये जो ग्राहक की साख पर निर्भर होती है। ग्राहक की जो बैंक में साख है तो यहाँ पर बैंक जो है उसको क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो ग्राहक नगद लेन देन से बच जाता है और उपभोग की राशि एक निश्चित अवधि पश्चात जो है ब्याज के साथ बैंक में जमा करते हैं। तो यदि हमारा बैंक में खाता नहीं है, बैंक में पैसे भी नहीं है लेकिन साख के आधार पर हमें बैंक क्रेडिट कार्ड देता है और हम उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक निश्चित अवधि और निश्चित राशि का हम भुगतान सामने वाले को कर सकते हैं। तत्पश्चात एक निश्चित समय के पश्चात जो है हमने जितनी राशि का उपयोग किया है वो प्लस ब्याज हम बैंक में जमा करते हैं। तो ये सुविधा जो होती है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होती है। और अंतिम बिंदु जो है यहाँ पर स्मार्ट कार्ड। वर्तमान में स्मार्ट कार्ड का प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है, जिसमें सभी प्रकार के जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चिप के माध्यम से हमारी बैंकिंग गतिविधियां जो होती हैं स्मार्ट कार्ड के माध्यम से जुड़ी होती हैं। इसमें एक प्रोसेसर चिप के माध्यम से ग्राहक के खातों की जानकारी के साथ सभी प्रकार की गोपनीय सूचनाएं संग्रहित होती हैं। हमारा आधार कार्ड हो गया, समग्र कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बैंक में जहाँ जहाँ खाते हैं, पिन नंबर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्मार्ट कार्ड में क्या होती हैं संग्रहित रहती हैं। तो वर्तमान में जो है भारत में स्मार्ट कार्ड जो है वित्तीय उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में भुगतान हेतु प्रचलित किए जा रहे हैं। तो ये जो है बैंकिंग सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की जो विभिन्न सेवाएं हैं उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड। इसके बाद हम देखते हैं ई बैंकिंग के जो लाभ। तो गए निरंतर सेवा, ई बैंकिंग के माध्यम से हम 24 घंटे जो हैं सेवाएं बैंकिंग की जो है प्राप्त कर सकते हैं, लेन देन जो है हम घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। दूसरा जो है वित्तीय अनुशासन, जो भी लेन देन हमारा होता है बैंक से उसका तत्काल हिसाब किताब लिखित में हमारे मोबाइल में या हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो लेन देन का हिसाब किताब जो है लिखित रूप में प्राप्त होता है जिसमें वित्तीय जानकारी होती है। फिर सुविधाजनक है, ये बड़ी मात्रा में हम नगद रुपए को संभाल कर रखने की समस्या से मुक्त हो जाते हैं। किसी स्थान पर हमें ज़्यादा पैसा लेकर पहुंचना है तो उतना नगद न ले जाकर हम ई बैंकिंग के माध्यम से उस पैसे को वहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो नगद रखने की समस्या से मुक्ति मिलती है और उसकी पहुंच जो बैंक की शाखा तक न रहकर असीमित हो जाती है। अर्थात जो भी हमें गतिविधियां करना है उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बैंक में ही जाकर ई बैंकिंग संबंधी कार्य को करें, घर बैठे भी हम जो है उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्राहक की जो ताकत है, जो शक्ति है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। फिर प्रतियोगिता की बात करें, ई बैंकिंग के माध्यम से बैंकिंग प्रतियोगिता शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है जिसका लाभ ग्राहकों को प्राप्त होता है। और फिर बैंकिंग सुविधा का विस्तार
इंटरनेट के माध्यम से समस्त बैंकिंग गतिविधियों का संचालन व समस्त प्रकार की जो भी जानकारियां हैं वो सुगमता के साथ हमें प्राप्त हो जाती और मितव्ययी है ये। सबसे पहले हमारा बैंक में जाने का, शाखा में जाने का समय बचता है, जो भी खर्च है उस स्थान तक पहुंचने का वो खर्च पड़ता है। साथ ही बैंक में जो कर्मचारी हैं, जो कार्यरत कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत करने में उनका भी समय बचता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि ग्राहक के साथ साथ, ग्राहक के समय के साथ साथ जो है बैंक कर्मचारियों के समय की भी काफ़ी बचत होती है। तो यहाँ पर जो है मानवीय संसाधनों पर कम निर्भर होना पड़ता है। ये जो है ई बैंकिंग के मुख्य लाभ हैं। बैंकिंग के आधुनिक तकनीकों से क्या आशा है? स्वचालित टेलर मशीन एटीएम की प्रक्रिया को समझाइए, टेली बैंकिंग से क्या आशा है उसको समझाइए, ई बैंकिंग से आशा है उसकी सुविधाओं को समझाइए, आरटीजीएस एवं एनईएफटी को समझाइए और साथ ही ई बैंकिंग के लाभ या महत्व को समझाइए।